दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय अनघा एस्थेटिक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। नागपुर शहर में पिछले कई दिनों से एनएमसी और श्वान प्रेमियों के बीच आवारा कुत्तों को लेकर तनाव की स्थिति चल रही थी। ऐसे में बुधवार को नागपुर शहर के आवारा श्वान प्रेमियों को देश के सर्वोच्च अदालत से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने नागपुर खंडपीठ के 20 अक्टूबर के उस आदेश को स्थगित लगा दिया है जिसमें नागपुर खंडपीठ ने शहर में आवारा श्वानों को सार्वजनिक स्थलों पर खाना खिलाने पर रोक लगा दी थी। इसके कारण अब द्वारा लगाए गए 200 रुपए जुर्माने पर भी रोक लग गई है। अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगाई है जिसमें हाई कोर्ट ने श्वान प्रेमियों को उन्हें गोद लेकर देखभाल करने को कहा था। आपको बता दें कि नागपुर खंडपीठ ने यह भी आदेश दिया था कि जब भी नागरिकों की शिकायत पर मनपा का श्वान पतक किसी भी क्षेत्र में आवारा श्वान पकड़ने के लिए जाता है तो कोई भी कथित तौर पर नागरिक उस कार्य में बाधा नहीं पहुंचाए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया है। इसके लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आवारा पशुओं के विषय पर जो नागपुर बेंच, जो हाईकोर्ट की नागपुर बेंच है, उसका जो ऑर्डर आया था उसे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है। इसी विषय पर हमारे साथ में एक एनिमल लवर है हमारे साथ में, इस समय उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या रिएक्शन है सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में। मैम ये बताइए कि कैसा है, पहले का ऑर्डर कैसा था और अब वो जो सुप्रीम कोर्ट का उसको थोड़ा रिलैक्सेशन जो दी हुई है वो कैसी है, और आपके फाउंडेशन के बारे में बताइए। मेरा नाम गार्गी है और मैं एक राइस फाउंडेशन चलाती हूँ जो कि स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम करता है। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट जितना मतलब मुझे समझ में आया जो हुआ है, जो पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसमें फीडिंग पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे जिसमें फीडर्स को स्ट्रे डॉग्स को कहीं पे भी बाहर किसी भी पब्लिक स्पॉट पे फीड करना अलाउड नहीं था, और ये कहा गया था कि अगर आपको किसी भी डॉग को या एनिमल को फीड करना है तो आप उसको अपने घर पे ले जाइए, आप उसको अडॉप्ट करिए और अपने घर के प्रमाइसिस पे फीड करिए। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम था सारे ही फीडर्स के लिए क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक साथ एक ही दिन पे 150-200 डॉग्स को रोज़ खाना खिलाते हैं, तो 200 डॉग्स अपने घर पे लेके जाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से अभी जो स्टे आया है इस ऑब्जर्वेशन पे, वो एक काफ़ी रिलीफ मिला है सारे फीडर्स को, कि जिसमें उन्होंने खुद भी ये कहा है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे डॉग्स को आप घर पे लेके नहीं जा सकते हो। तो उन्होंने अभी ये फ्रीडम दिया है एनिमल लवर्स को, फीडर्स को, कि आप डॉग्स अगर रोड पे रहते हैं तो उन्हें फीड भी रोड पे ही किया जाएगा, तो उन्हें आप लोग अभी फीड कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि एनएमसी को कुछ फीडिंग स्पॉट्स डेजिग्नेट करने हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे भी आइडियाज़ सजेस्ट किए हैं कि जो लोकेलिटी के स्वीपर्स होते हैं या जो रैक पिकर्स होते हैं वो लोग इसमें फीडर्स की मदद करें और फीडर्स को बताएं कि कहाँ पे फीड किया जा सकता है और कहाँ पे यू नो वो लोग फीड कर सकते हैं, उनकी भी इसमें मदद लीजिए, ऐसा बोला गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अभी स्टे दिया हुआ है इस ऑब्जर्वेशन पे कि आप स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है सारे एनिमल लवर्स को और फीडर्स को, जो सब लोग डरे हुए थे कि उन पे एक्शन लिया जाएगा, उन पे फाइन किया जाएगा अगर वो डॉग्स को खाना खिलाते हुए पाए गए तो। तो अभी वैसा कुछ भी नहीं होगा और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, इसलिए किसी को भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल खोल के डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, किसी भी एनिमल को खाना खिला सकते हैं। एक अपील इसके साथ साथ मैं करना चाहूँगी कि अगर आप फीडर हैं, अगर आप खाना खिला रहे हैं, तो खाना खिलाने के बाद प्लीज़ वो खाने का कचरा आप रोड पे मत फेंकिएगा। अगर आप वेट फूड खिला रहे हैं तो किसी बर्तन में या किसी शीट पे खाना खिलाइएगा ताकि रोड गंदे ना हो या फुटपाथ गंदा ना हो, और प्लीज़ खाना ख़त्म होने के बाद आप वो वहाँ पे कचरा ना छोड़े ताकि किसी को भी, ना डॉग्स को ना वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी ने दोबारा हम पे इस चीज के लिए उंगली नहीं उठानी चाहिए। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।